हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग बोर्ड मास के रूल को समझेंगे और बोर्ड मास के रूल को समझने के बाद हम लोग एक बोर्ड मास का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बी से जो होता है, बी से क्या होता है, बोर्ड मास में बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कोष्टक। और कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, तो कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। एक रेखा कोष्टक, दूसरा क्या होता है, छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, यानी एक लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये आपको ब्रैकेट होते हैं चार प्रकार के, और क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, सात या फिर चारों ब्रैकेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक। छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर उसमें रेखा कोष्टक रहे तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक को सब सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद ये देख रहे हैं छोटा कोष्टक किस प्रकार का है, तो छोटा कोष्टक रहे क्वेश्चन में तो छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग मंझला कोष्टक के अंदर जो संख्या रहेगा उसे हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बड़ा लास्ट में बड़ा कोष्टक वाले के अंदर जो संख्या रहेगा उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, बी ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, ठीक। उसके बाद हमें का सॉल्व करना है, का उसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रैकेट भी है, यानी बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है, और इसमें ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो का। तो हमें सबसे पहले छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें किस पे आना है, तो बड़े वाले ब्रैकेट पे आना है। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऑफ है, तो ऑफ को हमें सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद आइए, बी ओ डी आ गया, तो डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब डिवीजन होता है, यानी भाग। तो हमें उसके बाद ऑफ का के बाद हमें भाग का काम करना है। तो भाग का क्या होता है, देखिए आप लोग समझ रहे हैं कि भाग का साइन क्या, चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है। तो हमें इसके बाद इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें एम यानी मल्टीप्लाई को सॉल्व करना, मल्टीप्लाई उसमें रहेगा, उसके आगे भाग के बाद मल्टीप्लाई का काम करना है, यानी भाग के बाद हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, ठीक। मल्टीप्लाई मतलब गुना को सॉल्व करना है। गुना को सॉल्व करने के बाद उसके बाद हमें एडिशन का काम करना है, उसमें किस चीज़ का काम करना है, तो एडिशन यानी जोड़ का हम लोग काम करेंगे, ठीक। जोड़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ करने के बाद हम लोग घटाव का काम करेंगे। लास्ट में जो है घटाव का काम किया जाता है, यानी सब्ट्रैक्शन का काम किया जाता है। इतना करने के बाद आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपके सामने बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, जोड़ घटाव गुना भाग का ऑफ सब है। तो हमें सबसे पहले किसका काम करना है, किसको सॉल्व करना होगा, तो हम आपको बता चुके हैं कि हमें सबसे पहले लाइन वाले को सॉल्व करना होता है, यानी रेखा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में रेखा कोष्टक नहीं है, उसके बाद क्या है, छोटा कोष्टक को सॉल्व करना, यानी छोटा कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक यहाँ पे, और छोटा कोष्टक वाले को हमें सॉल्व करना है, तो इसके अंदर जो संख्या रहेगी उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, जैसे तैसे यहाँ पे इसको लिख लेंगे। प्लस अब एक कोष्टक के अंदर जो भी अंक है, संख्या है, उसे सॉल्व करेंगे। तो 18 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 12 और भाग 4, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें बड़ा कोष्टक को सॉल्व करना है। बड़ा कोष्टक के अंदर जो भी संख्या हो उसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा कोष्टक के अंदर 72 माइनस 12 भागे 3 का 2 है। तो कोष्टक के बाद ब्रैकेट के बाद किसका सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट के बाद कौन, ओ का काम करना होता है, यानी ऑफ का, का काम करना होता है। तो इसमें का है, इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर का को सॉल्व करेंगे। तो 72 माइनस 12 भागे 3 का 2, और का मतलब हम बता चुके हैं, का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है, ठीक। तो का मतलब गुना, तो गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे, तो 3 × 6 हो गया, प्लस 12 भागे 4 है, तो 4। उसके बाद क्या करना है हमें, अब देखिए अब इसमें हमें कोष्टक का ही काम करेंगे। सबसे पहले कोष्टक का ही काम करेंगे, तो कोष्टक में माइनस और भाग है, तो सबसे पहले हमें किसका काम करना होगा, भाग का काम करना होगा, क्योंकि हमें बोर्ड मास के रूल से चलेंगे तो सब घटाव का काम लास्ट में किया जाता है, सब्ट्रैक्शन का काम लास्ट में किया जाता है। तो पहले भाग का काम करेंगे, इसमें भाग है, तो देखिए 72 माइनस 12 में 6 से भाग करना है, तो कितना, 12 में 6 से भाग करेंगे, तो 12 से 6 से कितने मरतबे कट जाएगा, 12 तो 2 मरतबे, 6 × 12 2 मरतबे कट रहा है, प्लस 12 भागे 4, ठीक। और फिर कोष्ट है, यहाँ पे भाग भी है, यहाँ पे कोष्ट भी है, तो हमें कोष्ट के अंदर का ही काम करना है। तो 72 में से 2 गया तो 70 प्लस 12 भागे 4। अब हमें क्या करना है, तो अब इसमें प्लस और
भाग है, तो प्लस है और भाग है, तो हमें सबसे पहले भाग का काम करना होता है बोर्ड मास के रूल से, उसके बाद ना प्लस का काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले भाग का काम करेंगे, तो 70 प्लस 12 में 4 से भाग देना, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो 3, 3 चौके 12, 3 मरतबे कटा। अब क्या बचा, 70 प्लस 3 यानी 73। इस प्रकार हम बोर्ड मास के रूल वाले जितने भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको थोड़ा माइंड में इसको याद करके रखना है कि बी से ब्रैकेट जो भी कोष्टक होगा उसे हम सॉल्व करेंगे, पहले कोष्टक जो भी ब्रैकेट होगा ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद का काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन डी का यानी डिवीजन भाग का काम करेंगे, उसके बाद एम मल्टीप्लाई यानी गुना का काम करेंगे, उसके बाद ए एडिशन यानी जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का काम करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।